कहते ने कि रब भी उसे दा साथ दिंदा है जो अपनी मेहनत लगन अते इमानदारी सदका अगे वधदा रहिंदा है। मानसा दा जोशनू ढींसा जो कि एक वॉलीबॉल खिडारी है उसने अपनी मेहनत दे सदका वॉलीबॉल दी सीनियर टीम दे विच अपनी जगह बना ली है। सिर्फ इन्ना ही नहीं ओ भारत दा नाम पूरे विश्व पद्धर दे उत्ते रोशन करेगा। वर्ल्ड फेमस मियां कादर अली इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्या दा फोन ते घर बैठे समाधान। तुहाडे शहर विच पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, घर बैठे 3 घंटे विच पाओ 101% समाधान। वशीकरण मुठ करनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन, कारोबार विच परेशानी, घर विच झगड़ा, औलाद दा कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पति पत्नी विच झगड़ा, रुस्से नु मनाउणा, सौतन तो छुटकारा पाउणा, दुश्मन दा नाश, वशीकरण करवाउणा, जादू टूणा मनमोहनी वशीकरण करना जां करवाउणा। संपर्क करो हुणे मियां कादर अली 8954549921। देशा विदेशा विच बैठे सानू व्हाट्सएप ते कॉल करके हर समस्या दा समाधान पा सकदे हो, क्योंकि थाईलैंड विच होण वाले एशिया कप दे विच ओ हिस्सा लैण जा रहा है। उड़ीसा दी राजधानी भुवनेश्वर विखे जूनियर एशिया कप लई भारतीय टीम दे कैंप विच ट्रेनिंग कर रहे जोशनू ढींसा दी खेड तो प्रभावित होके सीनियर टीम दे कोच जीई श्री तारण ने जो कि अर्जुना अते द्रोणाचार्य अवार्डी हन, उन्हां ने जोशनूर नू सीनियर टीम लई चुनिया। इस तो अलावा जोशनू ढींसा इस टीम विच पंजाब दा इकला ही खिडारी है। इस दे नाल नाल ही उसने सिर्फ पंजाब दा या अपने जिले दा या अपने पिंड दा ही नाम रोशन नहीं कीता, सगो पूरे भारत दा नाम उसने विश्व पद्धर दे उत्ते रोशन कर दिता है। इस खबर नूं मिलदे ही पिंड विच अते जोशनू दे परिवार दे विच खुशी दी लहर फैल गई। इस मौके उत्ते उन्हां दा की कहना सी, आओ सुनदे हां। मैं बहुत अपने आप में एक माणमत्ती माँ महसूस कर रही हाँ। मैं पर शुक्र गुजार हाँ उस परमात्मा की जिसने मैं इन्ना ही होनहार बच्चा दिता कि जिदी बदौलत मैं अज इतने टीवी स्क्रीन पर हैगी हाँ। जोशनूर अपन दो भैणों का छोटा इकलौता भरा है, तो मैं बड़िया ही दुआवान इनू मंगया सी, तो परमात्मा ने मेरे पर बहुत ही ज़्यादा मेहर की है कि मैं इन्ना होनहार तो एक मेहनती बच्चा दिता है। परमात्मा यह जे बच्चे हरेक घर घर दे, तो मैं इन्हों को साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हाँ जिन्होंने इस तराशिया तो अज इस योग बनाया। इनू गेम वास्ते शुरू तो लगन सी, तो जो मैं इनू पटियाले छड़न जाता तो इनू मैं बस नहीं चढ़ाता सी, मैं मोटरसाइकिल इनू पटियाले छड़ के जाता। उदा ये सी भी मेरा भी जी ये बिना लगता नहीं सी, तो यदा इनू भी मैं ए सी भी बच्चा है चल उत्थे तक गल्लां बातां करते जावांगे, पर इनू गेमां दा इन्नी लगन सी ते बड़ी मेहनत नाल मतलब इत्थे तक पहुँचे है। एक सानू सब तो बड़ी खुशी ये है जिवें हुण पंजाब दे हालात ने, थां थां ते लोकां दे बच्चे नशेड़ी होए पए है, टीकियां नाल मरदे है, होर है, पर साडे बच्चे ने इन्नी मेहनत करके साडा ना इंडिया लेवल ते तक मतलब चमकाया है। मानसा लिए बहुत वड्डी माणमत्ती गल है कि सारे पंजाब चो इक्को ही बच्चा सीनियर टीम च इस साल एशियन वॉलीबॉल खेडण गया, तो खास करके विशेष वो हो जाता है कि जो मानसा कित भी कोई वॉलीबॉल का इनडोर स्टेडियम नहीं है, सहूलतों की बहुत वड्डी घाट है। इस बच्चे बारे जिन्ना क मैनू पता है कि जेडे कोच साहबान वगैरह भी हैं वो टैंपरेरी तौर पर पंजाब सरकार के खेड विभाग से काम कर रहे हैं, तो जे टैंपरेरी तौर पर इन्ने सालों तो मेहनत करके यह जे कोच इंडिया लैवल के बच्चे पैदा कर रहे, तो मैं सरकार तो यह पुरजोर मंग करदा कि घट्टो घट यह जे कोच तो पक्के किए जाने जिन्होंने इंडिया लैवल के प्लेयर पैदा किए हैं। नाल ही जी एक होर मंग यह है कि जिदा ये बच्चा अपने खर्चे ते सारा उत्थे रह रहा है, सरकार तो यह मंग है साडे माणयोग खेड मंत्री साहब तो कि इदा के बच्चे जोड़े खासकर ग्रुप गेमां च भारत लई रीप्रजेंट करदा उन्होंने महीना बार कोई खर्चा बनया जाए, उन्होंने 40-50 हज़ार की डाइट का इंतजाम किया जाए, उन्होंने चंगी ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए। 6 साल तो उत्थे बहुत सख्त मेहनत करी है, कोच साहब बड़ी सख्ती ट्रेनिंग कराते हैं, तो हूँ ये पिछले 3 महीनों तो भुवनेश्वर के उड़ीसा की राजधानी है उत्थे मेहनत कर रहा सी, कैंप लगे सी इंडिया टीम का जूनियर एशिया वास्ते, लेकिन उत्थे कोच श्री जी श्रीधरन साहब आए थे जिहड़े आप खुद अर्जुन अवार्डी तो द्रोणाचार्य अवार्डी ने, उन्होंने उन्होंने परख वख होंगी तुम्हें पती है कोचा कोच साहब की, उन्होंने इनू कहते नहीं अच्छी गेम है तो मैं इनू सीनियर टीम में सिलेक्ट करना, उन्होंने उन्होंने बदौलत यह सीनियर टीम वास्ते हुण खेडण जा रहे जी।
मेहनत नहीं करता सीगा भी जे हुण भी इहे जे घर आउंदा तुसीं मान लो भी साल दे विच 365 दिन हुंदे ने तां साडे कोले तां इहने तकरीबन 10-12 दिन ही रहिंदा इहे ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਰੱਬ ਬੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਇਕ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो फेसबुक चैनल लाइक और शेयर करो।